Good morning, students. How are you all? Okay, good. So, हम अपने क्लास फोर्थ में हम लोग अपने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं और जो यूनिट थ्री मैंने आपको स्टार्ट कराई थी उसका मैं फर्स्ट चैप्टर आपको करा चुकी हूँ. आज हमारा यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर टू बोर्ड पर देखेंगे सारे स्टूडेंट्स. यूनिट थ्री का चैप्टर नंबर टू है नसरुद्दीन्स एम. अब आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि ये स्टोरी है नसरुद्दीन की. नसरुद्दीन के एम के बारे में हमें इस स्टोरी में बताया गया है. अब मैं अगर इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट से पूछूंगी तो सब अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एम बताएंगे. कोई बताएगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बताएगा कुछ ऐसी चीजें जो हम अपने लिए सोच कर रखते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे, हमें पायलट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. सो इसी तरह की कुछ स्टोरी है आपकी नसरुद्दीन एम. नसरुद्दीन के एम के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. सो पेज नंबर 44 अपनी बुक में सारे स्टूडेंट्स पेज नंबर 44 ओपन करेंगे. सबसे पहले मैं इस स्टोरी का आपको बता रही हूँ. इस स्टोरी का एक मॉरल है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ, वो है आपका प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये मैंने आपको पहले भी जब आप लोग थर्ड क्लास में थे तब भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और आज फिर से ये आपकी स्टोरी आ गई है तो एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है. कोई भी इंसान यहाँ पर, आप इतने सारे बैठे हुए हो, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, लेकिन हम पहले से परफेक्ट नहीं होते हैं. हमें अपने आप के अंदर इम्प्रूवाइजेशन करना पड़ता है. वो किस लिए? क्योंकि जब हम बार बार एक चीज को गलत करेंगे, उस चीज को गलत करते 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 एक दिन ऐसा आएगा हम उस चीज को सही भी करेंगे. अब एग्जाम्पल मैं आप लोगों के उससे ले रही हूँ. आप लोग क्या करते हो, आप लोग मेहनत करते हो. जब आप लोगों का क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हो. अगर वही मेहनत आप स्टार्टिंग से लेकर चलो सो एंड तक में आके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस फटाफट रिविजन करना पड़ेगा और आपका क्या पेपर अच्छे जाएंगे. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनकी थिंकिंग ये होती है कि हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ कब पढ़ना है हमें, जब हमारे एग्जाम्स आएंगे. और वो जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं कर पाते. जब हम एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स ले लिया हमने, मैथ्स कभी भी एक बारी में सोल्व नहीं हो सकता. मैथ्स अगर हम कर रहे हैं तो हम बार बार उसमें गलतियां करेंगे, फिर उस चीज की हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वही प्रैक्टिस हमें क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है. सो ये था इस स्टोरी का मोरल जो मैंने आपको बताया है नसरुद्दीन एम का, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है. सो अब मैं हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. ये तो मैंने आपको मोरल जो था मोरल बता दिया है इसका. अब हम पढ़ेंगे स्टोरी. सो स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं. पेज नंबर 44 पर है. आप लोग भी अपनी बुक में पेज नंबर 44 ओपन करेंगे. वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड. देखो एक दिन क्या होता है, एक दिन नसरुद्दीन चैटिंग कर रहा होता है. आप लोग भी करते हो ना, व्हाट्सएप पर करते हो, इंस्टा पर करते हो, एफबी पर करते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट रहते हैं. सो वहां पे जब कनेक्टेड रहते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं चैटिंग. सो वो क्या कर रहा था, नसरुद्दीन जो था वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा था. ही बिगन टू बूस्ट. फिर क्या हुआ, उसने बूस्ट मींस डींगे मारना, फिर उसने अपनी डींगे स्टार्ट कर दी, मतलब अपनी बड़ाइयां स्टार्ट कर दी. सो वो क्या बताता है अपनी बड़ाई में, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. अब आप बोलोगे मैडम आर्चरी क्या होता है, आर्चरी होता है निशाना लगाना. आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग एरो और उस धनुष के साथ जो हम उसमें एरो डालकर और पॉइंट आउट कर लेते हैं किसी भी चीज को और उस पर जब हम निशाना लगाते हैं उसको हम बोलते हैं आर्चरी. सो वो बोलता है ही बिगन टू बूस्ट. अब उसने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. वो बताता है कि हाँ कोई भी इंसान मुझे आर्चरी में मैच नहीं कर सकता, मेरी स्किल्स इतनी पावरफुल है कि मैं एक ही बारी में जो मेरा जहां पे भी मुझे निशाना लगाना होता है, जो मेरा राइट पॉइंट होता है, उस पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, मैच कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी स्किल्स को मैच करे. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. वो क्या करता है, बो को लेता है, बो मीन्स जो हमारे एरोज में लगाए जाते हैं, वो उसको लेता है, अपना एम मतलब सोचता है उसको कहाँ निशाना लगाना है और क्या करता है, शूट कर देता है
एरो से, तो आवाज आती है वूश। फिर क्या होता है, द एरो इज श्योर टू हिट द राइटर टारगेट। फिर वो बताता है कि जो मेरा एरो होता है वो सीधा टारगेट पे जाता है, ना वो इधर जाता है ना वो इधर जाता है, सीधा अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। हियरिंग दिस, इतना सुनने के बाद, वन ऑफ हिज फ्रेंड, कुछ उसके दोस्त इमिडिएटली बॉट अ बो। जब भी क्या करते हैं उसके कुछ दोस्त क्या करते हैं, एरो और बो को खरीदते हैं, और क्या उस नसरुद्दीन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, और जो उसके लिए वो खरीद के लाते हैं, एरो लाते हैं बो लाते हैं, वो किसको दे देते हैं, वो नसरुद्दीन को दे देते हैं। ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोज, वो ले जाके नसरुद्दीन को दे देते हैं और उसके हाथ में दे देते हैं कि नसरुद्दीन तुम एरो को पकड़ो और बो को पकड़ो। द पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, और एक टारगेट सेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मेले में बहुत बार फेयर में आप लोग जाते हो घूमने, सो बलून से वो लोग करके रखते हैं और उसमें आपको टारगेट लगाना पड़ता है। सो वो इस तरह का एक टारगेट करते हैं। आप पेज नंबर भी देखिए 45 पे, ये इस तरह से आपको बनाकर दिखाया गया है। ये यहाँ पर जो ये पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे इसको टारगेट करना है, ये इसका टारगेट है। सो वो क्या करते हैं, उसके हाथ में बो दे देते हैं, एरो दे देते हैं और एक टारगेट को सेट कर देते हैं, और नसरुद्दीन से बोलते हैं कि नसरुद्दीन शूट, आप शूट करो नसरुद्दीन। नसरुद्दीन हैड द बो इन हिज हैंड। अब नसरुद्दीन क्या करता है, बो जो था और एरोज जो थे उनको अपने हाथ में पकड़ता है, स्ट्रंग इट, बहुत ही एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही ज्यादा तार, वो जो तार होता है ना उसको तार बोलते हैं, जो एरो हम लगाते हैं ना उसके तार को पकड़ता है, धनुष के तार को पकड़ता है। एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। फिर क्या करता है, अपना टारगेट सेट करता है कि मुझे वहां पर अपना क्या करना है, निशाना लगाना है, और निशाना लगा देता है। द एरो डिडंट हिट द टारगेट। फिर क्या होता है, जो एरो होता है वो हमारा टारगेट को हिट नहीं कर पाता। इट स्ट्रेट इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और बीच में ही कहीं गिर जाता है। देखो नसरुद्दीन ने अपनी बड़ाइयां मारी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, जब वो बात कर रहा था उसने बोला था मैं बहुत बड़ा क्या हूँ, बहुत अच्छे से मैं अपना जो टारगेट होता है उसको कंप्लीट कर देता हूँ, और एक ही बारी में मैं अपना सीधा पॉइंट आउट करता हूँ अपने टारगेट को। लेकिन उसके दोस्त क्या करते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो उसके लिए न्यू बो खरीदते हैं, एरो खरीदते हैं, और ले जाके उसको पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको पकड़ो और हमें टारगेट करके दिखाओ। सो फिर क्या होता है, जब नसरुद्दीन अपने टारगेट को सेट करता है और उस पर क्या करता है, निशाना लगाता है, सो वो नहीं लगा पाता, वो अपने टारगेट को सेट नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता, वो बीच में ही गिर जाता है। फिर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो हा 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 करके बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। हिज फ्रेंड स्टार्ट लाफिंग, उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। दे सेड, और बोलते हैं, हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट टाइम। वो बोलते हैं कि क्या ये है तुम्हारा बेस्ट, ये है तुम्हारा बेस्ट, ओ नो नॉट एट ऑल। फिर नसरुद्दीन बोलते हैं ओ नो ऐसी कोई बात नहीं है। सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में अपने आप को बचाते हुए बोलता है, दिस वॉज नॉट माई एम। उन्हें बताता है कि ये मेरा एम नहीं है, इट वॉज आजाद्स एम। ये वहां पर कोई एक और बंदा होता है, उसका नाम होता है आजाद। सो ये बोलता है ये मेरा एम नहीं है, ये आजाद का एम है। आई जस्ट शो यू हाउ आजाद शूट एन एरो। तो नसरुद्दीन क्या बहाना बनाता है, नसरुद्दीन बहाना बनाता है कि मैं तो तुम्हें आजाद की तरह शूट करके दिखा रहा था कि आजाद किस तरह से शूट करता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक अप अनदर एरो, ऐसा बोलते हुए नसरुद्दीन दूसरा एरो लेता है। वंस अगेन ही स्प्रंग द बो, एक बार फिर से वो उसको बो को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। एम एट द टारगेट, और अपने टारगेट को करने के लिए वो शूट करता है। लेकिन क्या होता है, दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। उसके बाद क्या होता है, जो उसका पहला उसने अपने एरो को शूट किया था फिर वो मिडल में आकर गिर गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो नसरुद्दीन होता है वो नसरुद्दीन जब दोबारा से निशाना लगाता है तो जो उसका पहले वाला एरो था उसके थोड़ा सा आगे जाकर वो गिर जाता है। बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन इस बार भी क्या हुआ, इस बार भी उसने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। दे आस्क नसरुद्दीन, फिर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो नसरुद्दीन को बोलते हैं, एंड
होता है ये किस तरह से तुम एरो को शूट करते हो। अफकोर्स नॉट आर्ग्यू नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन क्या करता है उनसे आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़ा करने लगता है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइंड, फिर वो बोलता है कि ये वाला भी जो था ये भी एम मेरा नहीं था, इट वॉज द चीफ गार्ड एम। वो बताता है कि पहले वाला तो आजाद का था और ये दूसरे वाला अब चीफ गार्ड का एम है। नाउ समबडी रिमार्क, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कोई इंसान जो वहां पर उसके फ्रेंड्स होते हैं सारे, वो बोलते हैं नाउ हूज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब वो बोलता है कि अब लिस्ट में कोई कौन है तुम्हारी लिस्ट में, पहले वाली लिस्ट में तो तुम्हारा था आजाद, सेकंड वाले में हो गया तुम्हारा चीफ गार्ड, अब बताओ कि थर्ड वाले में कौन है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग, फिर ये इतना बोलने के बाद सारे दोस्त हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन एक वर्ड भी नहीं बोलता, ही क्वाइटली पिक अप वन मोर एरो, वो चुपचाप से एक एरो और निकालता है। एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, देखो थर्ड टाइम में क्या होता है नसरुद्दीन बहुत ज्यादा लकी होता है। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, जो एरो था उसने क्या किया, हिट हुआ कहां पर, अपने सही टारगेट पर। एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट, देखिए क्या होता है, जो भी जितने भी लोग वहां पर थे उसके फ्रेंड्स थे उसके जो घर के लोग थे वो भी वहां पर थे, उन लोगों का अचंभे के कारण अमेजमेंट के कारण उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, किसी के कुछ बोलने से पहले नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन बोलता है ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फेंटली मतलब ट्रियम्फेंटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी के साथ। डिड यू सी डेट, क्या तुमने देखा, इट वॉज माई एम, ये था मेरा एम। देखिए उसने इतनी बार प्रैक्टिस की है अपने फ्रेंड्स के सामने, इतनी बार उसने प्रैक्टिस की है कि उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। अब आप देखेंगे उसने जब पहले वाला टारगेट सेट किया सो उसने बोल दिया कि ये मेरा नहीं था ये आजाद का था, फिर जब उसने सेकंड वाला टारगेट को किया उसने सेकंड वाले पे भी बोल दिया कि ये मेरा नहीं था ये चीफ गार्ड का था। बट हमने अपना चैप्टर पढ़ा है नसरुद्दीन एम, अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है आपका नसरुद्दीन, फर्स्ट वर्ड है आपका एन ए एस आर यू डबल डी आई एन नसरुद्दीन। सेकंड वर्ड आप लोगों का आर्शलिक ए आर सी एच ई आर वाई। थर्ड वर्ड है आप लोगों का टारगेट टी ए आर जी ई टी टारगेट। फोर्थ वर्ड है आप लोगों का पॉइंटिंग पी ओ आई एन टी आई एन जे पॉइंटिंग। फिफ्थ वर्ड है आप लोगों का
फिर आपका ट्री ऑफ फ्रेंड नहीं, टी आर आई यू एम पी एच ए एन टी एल वाई। नेक्स्ट है आप लोगों का लाफिंग, एल ए यू जी एच आई एन जे लाफिंग। नेक्स्ट है रिमार्क्ड, आर ई एम ए आर के ई डी रिमार्क। सो मैं एक बार आप लोगों को ये रिपीट करके दिखा रही हूं। फर्स्ट वर्ड है आप लोगों का नसरुद्दीन, सेकंड वर्ड है आप लोगों का आर्चरी, थर्ड वर्ड है आप लोगों का टारगेट, फोर्थ वर्ड है आप लोगों का पॉइंटिंग, देन नेक्स्ट है आप लोगों का इमीडिएटली, नेक्स्ट शूट,